कुछ साल पहले तक पीयूष मनुष्य इस सड़क से गुजरते हुए बहुत कम हरियाली देख पाते, लेकिन सूखे से ग्रस्त इस इलाके में अब पेड़ों की कतारें दिखती हैं। तमिलनाडु के उत्तर में स्थित पहाड़ी पर 250 एकड़ का जंगल फल फूल रहा है। ये सब मुमकिन हो पाया मनुष्य के एक ख्वाब की बदौलत। So this dream is that to live in a jungle. जंगल में रहने का सपना था। मैंने दोस्तों को सिर्फ इतना कहा कि आओ जंगल लगाते हैं और उम्मीद है उससे फायदा ही होगा। अपना सपना सच करने के लिए पीयूष ने 70 लोगों का साथ हासिल किया, जबकि इस इलाके में एक फायदेमंद जंगल उगाना मुश्किल ही है। धर्मपुरी जिले में अक्सर सूखा रहता है, मानसून की बारिश ऐसी कि जमीन भी तर नहीं हो पाती। तेजी से फैलने वाली झाड़ियों की वजह से जैव विविधता खतरे में है। भूजल के गिरते स्तर से मिट्टी कड़ी हो चुकी है। Our effort is now to make the earth spongy. धरती को सोखते जैसा बनाने की कोशिश है हमारी, ताकि वो पानी सोख सके, वो हवा से नमी खींचे और जमीन को दे। इस कोशिश में हमने पहला कदम रेन वाटर हार्वेस्टिंग का उठाया है। ये इलाका कावेरी नदी के जलागम क्षेत्र में पड़ता है। जल प्रबंधन के लिए ये फायदेमंद स्थिति है। ये कोऑपरेटिव जंगल कोऑप के नाम से मशहूर है। इसके सदस्य जलाशय और तालाब बनाते हैं। पानी, जमीन और जंगल पर उनकी सामूहिक हिस्सेदारी है। फिलहाल इससे लाभ मिलने की गारंटी नहीं है। हम यही चाहते हैं कि लोग आएं, यहाँ रुकें, बिजनेस करें, दूसरे काम करें, रहना शुरू करें और मजे करें। कोऑप के सदस्यों के लिए ये एक पर्यावरणीय प्रयोग है और खुद की तलाश का सफर भी। पूर्व आईटी इंजीनियर विग्नेश और उनकी पत्नी लावण्या कहते हैं कि जंगल ने उन्हें बिजनेस की दुनिया से भाग सकने का विकल्प दिया है। जंगल में एक सादे से घर में रहते हुए विग्नेश पिछले 2 साल से मुर्गी पालन और जैविक उत्पादों से जुड़े हैं। यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सामुदायिक खेती के काम ने मुझे आकर्षित किया, इसलिए मैंने यहाँ आने का फैसला किया। पानी वाली जगह में खेती करना आसान है। और हर कोई ये काम कर भी नहीं सकता। बहुत सारी जगह हैं जहाँ पानी नहीं है। ये एक बड़ी पहल है और इससे हमें उम्मीद मिलती है। उम्मीद की किरणें बढ़ती कठिनाई वाले वक्त में। सूखा, बाढ़ और चक्रवात से कई किसान अपने खेत छोड़ने को मजबूर हुए हैं। इस इलाके पर जलवायु परिवर्तन की मार पड़ रही है। कोऑप ने भी संघर्ष किया, लेकिन इस साल समूह का भविष्य संवारने वाला बड़ा कदम सामने आया। 10 साल के इंतजार के बाद अब हमारे पास बिजली है। हमने पहाड़ की चोटी पर तालाब बना दिए हैं। इन छोटे छोटे तालाबों के लिए हम नीचे से पानी पंप करते हैं। पानी से भरे तालाबों की बदौलत ये पहाड़ियाँ सोखते का काम करने लगेंगी। खूब सारा पानी और लकदक हरियाली, यानी सुंदर पर्यावरण अब यहाँ दिखने लगा है। कोऑप अब आर्थिक तौर पर एक समर्थ मॉडल बन गया है। बांस के फर्नीचर बनाने वाली एक यूनिट पीयूष की अगुवाई में सक्रिय है। उनकी पत्नी मोनिका कॉस्मेटिक यूनिट चलाती हैं, जिसमें कोऑप के नीम, एलोवेरा और बकरी के दूध जैसे उत्पादों से तैयार हर्बल सामग्रियों का इस्तेमाल होता है। बहुत से युवा उद्यमी इको बिजनेस में शामिल हैं। कोऑप ने 1.5 करोड़ रुपए का सालाना टर्नओवर कमाया है। अधिकांश कमाई बांस, एलोवेरा, औषधीय पौधों और सब्जियों की बिक्री से होती है। बिजली आ जाने से मुनाफा और बढ़ेगा। We are now ready to invite farmers. हम लोग किसानों को बुलाने को तैयार हैं, अलग अलग इलाकों के किसानों के साथ अपना अनुभव बांटने के लिए। लेकिन कैसा अनुभव? सबसे सटीक और सहज जल प्रबंधन योजना बनाने का अनुभव। किसान भी अपने अपने क्षेत्रों में ऐसे मॉडल बना सकते हैं, खासकर ऊंची नीची जमीन वाले किसान। इलाका खूब हरा भरा दिखने लगा है। अब इस ग्रुप का सपना है उत्तरी तमिलनाडु में सघन जंगल और भरी पूरी नदियाँ। लेकिन बढ़ते जलवायु परिवर्तन के बीच उनका ये सपना शायद पूरा ना हो।